चलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हमारे पास है दिवाली फायर क्रैकर, तो ये काफी बड़ा बॉक्स हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पर ये इसका बॉक्स है। दिवाली आने वाली है तो हम दिवाली के ऊपर एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इससे कुछ इस तरह का यहाँ पर लोगो दिया हुआ है, इस तरह का यहाँ पर दिखने को मिलता है। ऊपर जाके ये स्क्रैच आउट पड़ता है और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप इससे पीछे की साइड कुछ नहीं है और यहाँ पर एक इंटेक्शन दिए हुए, आप इसे सेफ्टी से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पनीर का ब्रांड, यहाँ पर आप इसके काफी सारे उसकी पीछे की साइड कैप निकल दी, उसको हम निकाल देंगे। तो हमने निकाल दिया, तो यहाँ पर इसके अंदर हमें तीन कुछ इस तरह देखने को मिलता है स्क्रैच आउट। तो काफी बड़ा बॉक्स है तो इसके अंदर तीन पीस आते हैं, तो इसमें से हम एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप जिसका कुछ इस तरह का हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पर इधर इसकी फ्यूज दिया हुआ है। अगर हम इसमें आग लगाते हैं तो ये ऊपर की साइड बहुत ही मजेदार नज़ारा हमें देखने को मिलता है। पीछे की साइड पर भी आगे की साइड आपने खाली है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसको हम काट करके आपको दिखाने वाले इसके अंदर में क्या चीज़ देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए हमारे आने वाले वीडियो पर देखने के लिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको हम रात को भी जलाने वाले हैं, देखते हैं क्या नज़र हमें देखने को मिलता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास ये डिब्बा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम सिंपली ओपन करेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर है तीन स्क्रैच आउट सेल, तीन यहाँ पर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो सिंपली हम इसको एक बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर इसका फ्यूज दिया हुआ है। तो इसको कट करने के लिए हमारे पास है कुछ औजार, तो इसको हम यहाँ पर साइड में रखते हैं। तो ये हमारे पास प्लायर कटा और ये आरी, इस तरह का अगर इसका भी यूज होगा तो हम करेंगे, तो या फिर हम कटर से कट करेंगे। तो काफ़ी सारे हमारे पास सामान आ चुके हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर आप देखते एक पेपर इसके ऊपर चिपका हुआ होता है और यहाँ पर इसका फ्यूज दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप हम दिखाना चाहे यहाँ पर आप देख सकते कट से हम यहाँ से टैप को अलग कर दीजिए। तो टैप को सिंपली हमने हटा दिया है। तो इस वाले स्क्रैच आउट सेल को हम रात को ट्राई करने वाले हैं, तो किस तरह से नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। वीडियो में मजा आया तो लाइक का बटन जरूर से दबाइए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक इसका फ्यूज हमें देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों फ्यूज होता है, ये प्लास्टिक फ्यूज है इस तरह का। तो इसके अंदर सिंपली हम इसको अंदर यहाँ पर लगा देते हैं और पीछे की साइड हम देखने की कोशिश करें जहाँ पर मिट्टी का कुछ बना हुआ है, मिट्टी का यहाँ पर लेप किया हुआ है और कड़क इसके अंदर हमें देखना मिलता है, कड़क है बहुत। तो इस चाय के अंदर हम इसको काट के देखने वाले हैं। तो आगे की तरफ आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर एक पेपर, यहाँ पर ब्लू पेपर चिपकाया हुआ है और इसके ऊपर लेबल लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम इधर से आग लगाते हैं तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होके यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर एक बॉल जाती है, इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है नाइट में। तो यहाँ पर इसको हम काटने के लिए सिंपली हम इस आरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो
तो हम किधर से इसको काटेंगे, कट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर साउंड से हम बजाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से पूरा अंदर से खोखला है तो हम इसको सिंपली यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसका पूरा अंदर का हिस्सा सामग्री यहाँ पर है, यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से यहाँ पर खाली है। तो यहाँ से हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम इसको ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको साइड में रखते हैं, इधर से हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे। तो एक बार हम देख रहे हैं वीडियो आ रही है नहीं आ रही है, सही। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रही है, और दोस्तों यहाँ पर इसको हम कट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कटर का यूज़ करने वाले हैं। कटर से सबसे पहले हम काट के देखते हैं कट होता है या नहीं होता, फिर हम इस आरी का यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा कर रखिए। तो यहाँ पर हम एक बार ट्राई करते हैं, तो यहाँ से हम इसको कट करने वाले हैं यहाँ पर। तो इससे हम कट करने की कोशिश करते हैं कट होता है या नहीं होता। तो दोस्तों एक बार हम इसको कट करने की ट्राई करते हैं यहाँ से। तो सिंपली हम यहाँ से कट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सख्त है इसलिए हम बहुत ही ध्यान से कट कर रहे हैं। तो ये सब आप कुछ भी घर पे या कहीं पर भी ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये आपके लिए। तो आप सिर्फ वीडियो देखें और नॉलेज लीजिए। तो यहाँ पर इससे अभी कट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ताकत से इसको काटना पड़ेगा। तो अब हम कटर का रहने देंगे, तो इस आरी पत्ती का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर धार है इसलिए, तो बहुत ही जल्दी हम इसको कट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से कट हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक पेपर को बिछा देंगे ताकि इसके अंदर का जो सामग्री है वो बिखरे ना। तो यहाँ पर हम पेपर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने पेपर को बिछा दिया है। तो इसको हम काट कर देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अंदर से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सारा इसके अंदर सामग्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक बार हम इधर से पूरा कट करते हैं। यहाँ से हम कट करने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ही बचा हुआ है कट होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली कट हो चुका है। तो सिंपली हम फ्यूज़ को एक बार अलग कर देते हैं। तो ये प्लास्टिक फ्यूज़ है, इसको हम ट्राई करने वाला है। तो इसके अंदर हम यहाँ से कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हल्का सा बचा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो बहुत ही मेहनत के बाद ये फाइनली कट हो चुका है। तो इसके अंदर हमें बिल्कुल सही अंदाजा हमें लगाया था। तो यहाँ पर इसके अंदर सामग्री है, इसके अंदर पूरा खाली है दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं। तो एक बार यहाँ पर इसका बुरादा हो चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे। ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर एक इसको यहाँ से हम एक बार ट्राई करते हैं निकालने की। तो पेपर जैसा कुछ चिपकाया हुआ है, बहुत ही अनिल क्रैकर्स की बहुत ब्रांड है, बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग करते हैं। तो यहाँ से हम कटर से इसको काटने की ट्राई करेंगे, अलग करेंगे।
कितना अलग हो पाता है ये। तो ये इसका आगे का ढक्कन यहाँ पर आप देखते हैं इस तरह का। तो दोस्तों दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक कागज का पेपर चिपकाया हुआ है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से पूरा खोखला है। तो ये इसका सेल है, अंदर से पूरा खाली आता है। तो इसको हम यहाँ पर पेपर को साइड में रखते हैं, न्यू पेपर बिछा देते हैं ताकि यहाँ पर कचरा ना हो। तो हमारे पास फिर से एक न्यू पेपर आ चुका है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। इसके ऊपर हम इसके अंदर क्या है देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पीछे की साइड मिट्टी का यहाँ पर दिया जैसा कुछ बना हुआ है, और इसके आगे की साइड एक कैप दी हुई है, इसके अंदर कैप है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस कैप को हम एक बार बाहर निकाल देते हैं, निकले तो ये ज़रूर से निकलेगी। तो सिंपली कैप को हमने निकाल दिया है, इस तरह की कैप हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों इसके अंदर बहुत ही यूनिक चीज़ हमें हाथ में लगी है, तो ये ब्लैक कलर का पार्टिकल इसके अंदर हमें देखने को मिला, काफ़ी सारा है, तो बहुत सारे यहाँ पर फैल चुके। तो मेरे हिसाब से ये इसका फ्यूल है, तो सभी को हम एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर एक दिए जैसी कुछ चीज़ बनी हुई है, आपको दिखे तो यहाँ पर अंदर से आपको नहीं दिखी होगी क्योंकि अंधेरा है। तो एक बार हम इसको निकालने की ट्राई करते हैं, नहीं हो तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे फिर आपको दिखाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से हम कट करके आपको दिखाते हैं। एक बार यह इसके सेल को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, सिर्फ बिल्कुल यहाँ से हम कट करने वाले हैं। तो बहुत ही सेफ्टी से हम ये वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ ये सब आप कहीं पर भी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप वीडियो देखें सिर्फ और नॉलेज लीजिए। तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से हम यहाँ से कट करने वाले हैं। बहुत ही मेहनत रखनी है, मेहनत। तो ये कट होने वाला है, थोड़ा ही बचा हुआ है, इसको भी हम काट लेंगे। से कट होने वाला है, देखते हैं। तो बहुत ही कोशिश करने के बाद इतना कट हो चुका है, तो ये फ्यूज को कुछ नहीं हो, तो यहाँ से हम इसको जाटे हटा देते हैं क्योंकि ये माल है इसके अंदर काफ़ी सारा। यहाँ पर इस पेपर को हम एक बार साइड कर देते हैं ताकि यह इसका पूरा जाए मिक्स ना हो जाए, इसलिए तो फिलहाल हम इसको साइड में रख देते हैं इस पेपर को। इस पेपर को हम यहाँ पर आते हैं, अब हम इसको काटते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा जाए फैल चुका है काफ़ी सारा। तो बहुत ही मेहनत करने के बाद यहाँ पर कठोर में फैला है, थोड़ा ही बाकी। तो
फाइनली यहाँ पर कट हो चुका है, तो एक बार यहाँ पर हम इसको यहाँ पर चटकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, इस पेपर को हम हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इस पेपर को हम फिर से चलाते हैं। तो आपके सामने पेस है इसके अंदर का राज, तो यहाँ पर हमने कट करने की ट्राई की है, एक बार इसको हम निकालते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं, इसको पूरा घुसेड़ना पड़ेगा हाथ इसके अंदर। तो दोस्तों बहुत ही सारा इसके अंदर बारूद हो चुका है, और इसके अंदर एक पटाखा इसके अंदर लगाया हुआ है इस तरह का, तो ये सेल है दोस्तों इसका, इसके अंदर बहुत ढेर सारा यहाँ पर हमें ब्लैक कलर का मटेरियल देखने को मिलता है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, और एक मिट्टी का जैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए, या क्योंकि यहाँ पर इसका शॉर्ट सेफली यहाँ पर खड़ा ले सके, तो ये मिट्टी का बना हुआ है, इसको हम रख देते हैं साइड में, और यहाँ पर इस तरह का ब्लैक मटेरियल हमारे हाथ में लग चुका है, इस तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, तो इसको भी हम एक बार जलाएंगे की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपके सामने, तो इसके अंदर एक सेल है, इस सेल को यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बारूद जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर एक बत्ती है, इस बत्ती को अगर ये मेरे हिसाब से फ्यूल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के दाने यहाँ पर बहुत सारे हो चुके हैं, और ये इसका सेल यहाँ पर एक दिए जैसे कुछ यहाँ पर पार्टिकल हमें दिख रहा है, तो ये दिया ही है इस तरह का, यहाँ पर आप जैसे छोटा सा कैप, ये ऊपर के साइड ये जब आसमान में जाता है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं, तो इस सेल के अंदर क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बन रही है, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, तो वीडियो के लिए लाइक बनता है। तो इस डीए को हम एक बार कट कर रहे हैं, डीए को नहीं ये इसके सेल को हम कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिर से इस कटर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम उसको कट करने वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर कट कर लिया है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें इसके अंदर देखने को मिली, तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो हम आपको दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर इसके अंदर ब्लैक कलर का मटेरियल हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम निकालने की ट्राई कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत ही यूनिक चीज़ हमें हाथ में लगी है, इसके ऊपर अंदर काफ़ी ढेर सारे इसके अंदर दाने हैं, इसको हम यहाँ पर एक बार लगा देते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पर ये जब आसमान में जाते हैं तो कितना तेज नज़ारा हमें देखने को मिलता है, ढेर सारे इसके अंदर दाने दिख रहे हैं, इसके अंदर बॉल जैसे कुछ चीज़ें, और काफ़ी सारा बारूद इसके अंदर हमें देखने को मिला, और इस कवर के अंदर आप देखने की ट्राई करें तो यहाँ पर ये दिया हुआ यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ है, और इसके अंदर एक फ्यूज हमें देखने को मिला, तो यहाँ पर पूरा ये फ्यूज ही है, यहाँ पर ये जब सेल जलता है और यहाँ पर ये फ्यूज इसके अंदर आग पकड़ता है, तो ये बहुत ही प्रेशर क्रिएट करता है ऊपर, और ये ऊपर के जहाँ ऊपर जाके बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हो तो हम इसको जला कर भी बताने वाले हैं,
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब आप घर पे ट्राई करने की बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आप वीडियो देखिए, इंजॉय कीजिए, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम ये सब सेफ्टी में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आग लगती है और ये इस तरह का हमें इसके अंदर देखने को मिला। तो इसको हम इकट्ठा कर देंगे और एक साथ इसको जलाने की ट्राई करेंगे। और हमारे पास ये फ्यूज, इसके अंदर हम आग लगाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और हमने आपको पूरा इसका शॉट को खोल के बता दिया है, एक बार हम कैमरे को निकाल देते बाहर। तो यहाँ पर हमने आपके सामने पूरा दिखा दिया है क्या होता है एक इसका शॉट के सेल के अंदर का राज। तो ये इसका सेल है, ये सेल अंदर, और ये ब्लैक मटेरियल, और ये इस तरह का दाना दाना कुछ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर एक फ्यूज दिया हुआ है और ये पूरा सेल है, इसके अंदर ये ऊपर आसमान में जाके बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें दिखाता है। और ये इसका फ्यूल इस तरह का है, पार्टिकल ब्लैक कलर के, तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सेफ्टी में हम ट्राई कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। फिर हम एक नाइट में इसको हम जलाने वाले हैं, जला करके आपको दिखाने वाले क्या नज़ारा हमें रात के समय देखने को मिलता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर करके, वीडियो आने वाली है। तो अगर आपको आज की वीडियो मजा आया तो वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। अब हम इसको जलाने की ट्राई कर रहे हैं और इसका शॉट के अंदर क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसका शेल और ये अंदर से पूरा खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी का बना हुआ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्लैक मटेरियल, यहाँ पर ये बहुत ही अंदर, इसके अंदर दाने हैं, इसको बहुत ही ध्यान से जलाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। तो वीडियो में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। इसको हम चला कर वीडियो को एंड करने वाले हैं, तो देखते रहे क्या होता है। तो दोस्तों आपके सामने हम लेके आ चुके हैं, अब हम इसके अंदर लगाने वाले आग। तो सबसे पहले पेपर के अंदर हमने लगा दिया इसको, तो ये बहुत ही अलग अलग यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अब हम इसके अंदर आग लगाने वाले हैं, देखते क्या होता है। फिर हम इसका शॉट को नाइट में जलाने वाले हैं, तो क्या अलग नाइट में नज़ारा देखने को मिलता है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। तो प्लीज़ ये सब घर पे ट्राई करने की बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, और कई भी जगह इसे ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक है। तो रिस्क ले के हम ये काम कर रहे हैं बहुत ही सेफ्टी के साथ। आपसे वीडियो देखें, और अब हम इस फ्यूज़ के ऊपर आग लगा के भाग जाएंगे बहुत ही दूर। तो यहाँ पर इसके अंदर का ये मटेरियल है और ये इसके अंदर का सेल, तो डू नॉट ट्राई एट होम। अब हम इसके अंदर आग लगा देते हैं, क्या होता है, क्या नज़र हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर आग लगाने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। कैमरा काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा धुआं हमें देखने को मिला, ये बहुत ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक, हमने आपसे कहा था बहुत ही खतरनाक है, डोंट ट्राई एट होम। ये पूरा यहाँ पर जल चुका है, तो इसके अंदर। तो आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए दिवाली एक्सपेरिमेंट को लेकर। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो काफ़ी हो चुका है, इसको हमने साफ करना पड़ेगा।
तार तो।